IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV, मैं इलीशा आपके साथ। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हर दिन नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा था वह समय से काफ़ी पहले पूरा किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के पीठ हर दिन थपथपाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान एक मृत महिला को भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी है। दरअसल ये खबर दानापुर के नासरीगंज की रहने वाली अंजना देवी की है। उनकी मौत कोरोना वायरस से 6 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन बीते 18 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का मैसेज आया। मृत महिला के बेटे सोनू को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। पूरे परिवार के लिए यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर जब अंजना देवी की मौत हो चुकी है तो उन्हें कोरोना की वैक्सीन कैसे लग सकती है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी परिवार के पास है। सर्टिफिकेट में बताया गया है कि पटना सदर PHC में मृत महिला को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई है। यह सब कुछ देखकर मृत महिला का परिवार हैरान है। अंजना देवी के बेटे सोनू के मुताबिक उनकी मां ने मौत के 15 दिन पहले कोरोना की पहली डोज ली थी। पाटलिपुत्र के CNS हॉस्पिटल में उनकी मौत हो चुकी है। अंजना देवी को पहली डोज 11 अप्रैल को लगी थी और 26 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें दूसरी डोज देने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस मामले को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर SP विनायक ने कहा कि यह पोर्टल का एरर हो सकता है या एक ही मोबाइल से 3-4 रजिस्ट्रेशन होने की वजह से भी कई बार ऐसी दिक्कत सामने आ जाती है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन यह मामला अपने आप में हैरान भरा है कि स्वास्थ्य विभाग कैसे किसी मृतक महिला को कोरोना वैक्सीन लगा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।